जय श्री राम। तो आज लिमड़ी जा रहा हूँ मैं, तो सोचा एक छोटी सी वीडियो बना ले, क्योंकि लिमड़ी थोड़ा काम है। और कल एक दोस्त ने बताया कि लिमड़ी जो हमारा काठियावाड़ी हॉर्स सब ब्रीडिंग सेंटर है, वहाँ पर नए घोड़े की एंट्री हुई है, नर घोड़े की। तो पुराना जो घोड़ा है नीले, उसको कल वहाँ पर वापस भेज दिया गया। जो ब्रीडिंग फार्म है हिंगोलगढ़, जो हमारे राजकोट ज़िले में पड़ता है, वहाँ पर ये सारे घोड़े वहाँ पर रखे जाते हैं। घोड़े घोड़ियाँ सब जो गवर्नमेंट के अंडर में है, तो वहाँ से नया घोड़ा जो है यहाँ पर लाया गया है, उसे देखने जाना है। और हर 3-4 साल के बाद इन घोड़ों को बदल दिया जाता है। और जो हमारे दोस्त हैं जो घोड़ों के शौकीन हैं, उन लोगों को तो पता है इसके बारे में कि इसकी वजह क्या होती है। जिनको नहीं पता, कभी आगे बात करेंगे इसके बारे में वीडियो में। फिलहाल तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये इस तरह की मेरी पहली वीडियो है शायद, तो कमेंट के ज़रिए भी बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। तो चलते हैं अभी लिमड़ी और देखते हैं आगे वीडियो में। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आ गए जी हम लिमड़ी में, और थोड़ी ट्रैफिक भी है यहाँ हाईवे के पास। काफी जो है मुझे निकलते निकलते देर हो गई। अब पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, तो मिलते हैं आगे अब वीडियो में। फिलहाल हम आए हैं हमारे दोस्त प्रतिपाल सिराना के मेडिकल स्टोर पे, और ये है पप्पू भाई और ये है रमजान, बहुत ही प्यारे दोस्त है हमारे, और ये है प्रतिपाल सिराना उर्फ काका मतलब अंकल। तो अभी जाने का प्रोग्राम है, मैंने जो आगे बताया था वो स्टेलियन देखने का, तो काका रेडी है और हम जा रहे हैं हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर पे, यानी कि हॉर्स सब ब्रीडिंग सेंटर पे लिमड़ी। लिमड़ी का पुराना और फेमस एरिया ग्रीन चौक। आ चुके हैं हम लिमड़ी काठियावाड़ी हॉर्स सब ब्रीडिंग सेंटर पे, और यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेलियन नया जो अभी अभी लाया गया है यहाँ पर। नाम है इसका पारिजात, और ये भी हमारे दोस्त हैं। सत्रह साल का घोड़ा है ये, और इसके काफी जो है बच्चे बच्चे हमने देखे हुए हैं। नई जगह है, नया माहौल है। तो उस वजह से घोड़ा जो है थोड़ा अपसेट लग रहा है। वैसे तो काफ़ी शांत है और लोगों के पास भी आता है और हाथ भी लगाने देता है।
अदरवाइज कई घोड़े जो नए माहौल में आते हैं, नई जगह पे, तो किसी को हाथ भी लगाने नहीं देते, किसी को पास भी आने नहीं देते, और जो है अपनी नाराज़गी दिखाते हैं, काटने को आते हैं, और ऐसा उनका बिहेवियर होता है। लेकिन ये घोड़ा काफ़ी शांत है। इसकी एक आँख में प्रॉब्लम है, एक आँख में शायद बचपन में इसके कुछ एक्सीडेंटली इसकी आँख चली गई है एक। ये घोड़ा बहुत ही खूबसूरत है। इसके काफ़ी बच्चे जो वहाँ पर हिंगोलगढ़ फार्म है वहाँ पर अभी हम कुछ दिन पहले ही गए थे और हमने देखे। कई लोगों को लगेगा कि देखने में घोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, इसमें कोई ख़ास बात शायद ना दिखे, लेकिन घोड़े की जो है 17 साल की उम्र है और काफ़ी अच्छा घोड़ा है। तो अभी भला भाई जो इसके केयर टेकर है वो अभी बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ और आपको घोड़ा बाहर निकाल कर दिखाऊंगा। तो भला भाई अभी आ चुके हैं और इसको बाहर भी निकाल रहे हैं, तो इसको लगाम लगाई जा रही है। मैं वीडियो के साथ में ही आवाज़ दे रहा था, लेकिन फिर कुछ दोस्त आए और उनके साथ बातें चल रही थी, तो फिर वीडियो मैंने जारी रखी और वॉइस ओवर देने का फिर प्लान किया। तो ये भला भाई हैं जो इसको लगाम लगा रहे हैं, ये इसके केयर टेकर हैं, और घोड़ों के साथ इनकी इनका जो है तालमेल बहुत ही बढ़िया बन जाता है। जैसे जैसे ये घोड़ा यहाँ पर दिन बीतते जाएंगे, घोड़े के साथ भला भाई का जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी बेहतर होता जाएगा। और जो इसका मतलब खान पान का भी भला भाई बहुत ही ध्यान रखते हैं, तो घोड़ा आगे वीडियो में हम दिखाएंगे आपको कि इसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा, घोड़ा जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो अभी इसको बाहर निकाल कर देखते हैं इसके पैर कैसे हैं और ये कैसा बिहेव कर रहा है। तो काफ़ी शांत है घोड़ा, अच्छा है, पारिजात नाम है इसका। तो अभी बाहर निकाल रहे हैं। जो भी घोड़ियाँ यहाँ पर खाने के लिए आती हैं इसी तरह बाहर निकाल कर तो एक बात ये भी बताता चलूं कि ये जो भला भाई है ये घोड़े के पैर को उठाकर उसके जो खुर है उसके नीचे के हिस्से को दिखा रहे हैं कि काफ़ी मजबूत है और स्ट्रॉन्ग है, इसके पैर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो कहने का मतलब कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि काठियावाड़ी घोड़े जो है काफ़ी उनका बर्ताव जो है वो ख़राब होता है और एग्रेसिव होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप देखिए ये घोड़ा कितना अच्छा बिहेव कर रहा है। भला भाई ये देखिए पीछे के पैरों में भी जहाँ पर उसको चोट लगी है वहाँ पर भी हाथ